सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। दर्शकों, मैं मीनू खन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल दिव्य के विशेष कार्यक्रम नवरात्रि रसोई में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी है और हम सभी के जीवन में नवरात्रि का एक खास महत्व है, जिसमें सभी भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और माता का गुणगान करते हैं। व्रत के दौरान हमें अक्सर ये समस्या आती है कि हम लोग क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि व्रत एक तपस्या है जिसे हमारे लिए करना ज़रूरी तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी सेहत ना खराब हो इसका ख्याल भी हमें रखना चाहिए। तो इसीलिए इस नवरात्रि हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ये खास स्पेशल शो, जिसमें आप जानेंगे कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो हेल्दी भी हैं और स्वादिष्ट भी, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान भी है। इसीलिए चैनल दिव्य की टीम पहुंची CGC लांड्रा कॉलेज के होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, जहां के स्टूडेंट्स ने हमारे लिए तैयार की कुछ खास रेसिपीज़ जिसे बनाएंगे हम इस नवरात्रि में। तो चलिए, मैं यहां बुलाना चाहूंगी होटल मैनेजमेंट टीम की स्टूडेंट ईशा को। आइए ईशा। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम ईशा है। ईशा, जैसे कि आप जानती हैं, नवरात्रि में लोग अक्सर व्रत रखते हैं। जी। तो आप व्रत रखती हैं? जी बिल्कुल। तो फिर आप क्या खाती हैं? मेरे पास कुछ ऐसी नई रेसिपीज़ हैं जो आज मैं सबके साथ शेयर करूंगी। देखिए, ईशा हमारे लिए लेकर आई हैं कुछ खास रेसिपीज़। ईशा, क्या आप बता सकती हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज के मेन्यू में हमारे पास है फ्रूट सैलड, और दूसरा है हमारे पास गुलाबी साबूदाना खिचड़ी, एंड तीसरी है हमारी गुड़ के मखाने। तो आज ईशा हमारे लिए लेकर आई हैं तीन खास रेसिपीज़, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे फ्रूट सैलड से। ठीक है ईशा, तो आप बता सकती हैं मुझे फ्रूट सैलड में आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं? जी, ये है हमारे पास डाइस्ड एप्पल, ये मैंने दो ले लिए हैं कटे हुए, और हमारे पास एक है कीवी, ये भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए, अनार है, और सैलड फ्रूट्स हम नॉर्मली खाते हैं तो इसे हम अच्छे तरीके से खा सकते हैं, इसलिए मैंने ड्रेसिंग के लिए रखा है हनी और रखा है दो नींबू का रस, और तीसरा मैंने रखा है वेजीज, ये मैंने ड्रेसिंग के लिए रखा है, और ड्रेसिंग के लिए साथ में मैंने रखा है मिंट, मतलब पुदीना, और साथ में मेरे पास कुछ और फ्रूट्स हैं, एक है पपाया और एक है हमारे पास ग्रेप्स और तीसरा है हमारे पास वाटरमेलन, और ये सभी फ्रूट्स हमारे लिए बहुत हेल्दी है, जैसे कोरोना चल रहा है तो ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और बहुत ही एनर्जेटिक है। ठीक है, तो हम इसमें और भी कुछ फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं? जी जी, फ्रूट्स खाना कोई भी फ्रूट्स प्रेफर कर सकते हैं, वी कैन ऐड स्ट्रॉबेरीज और जो भी हमारे घर पे फ्रूट्स अवेलेबल है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आप हमें बताइए कि आप कैसे बनाएंगे ये फ्रूट सैलेड। जी, शुरू करते हैं। जी, एक बॉल लेंगे हम। जी, इसमें हम डालेंगे एप्पल। जी, एप्पल में सारा ही डाल रही हूँ इसमें। ठीक है, कीवी। कीवी मेरा फेवरेट फ्रूट है। कीवी बहुत हेल्दी भी रहता है, तो अगर आप इसे नहीं भी खाते तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है, सो अभी जैसे कोरोना है तो सबको खाना चाहिए, और ये कैंसर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रखता है, तो डेली अगर खाओगे तो ये बहुत अच्छा है। जी, देन वी हैव पपाया। जी, इसमें ऐड करूंगी कुछ ग्रेप्स, वाटरमेलन, हमारे फ्रूट्स ऐड हो गए, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बनाना। जी, फ्रूट्स वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, तो जब फास्टिंग में हम लोग फ्रूट्स खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी भी मिलती है और वो खाने में टेस्टी तो होते ही हैं। डाल दिया मैंने बनाना। जी, और साथ ही में मैं एक ड्रेसिंग तैयार करूंगी। तो ये हम अलग से तैयार करते हैं? जी बिल्कुल, ड्रेसिंग से हमारा सैलड बनता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। जी। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून लेमन जूस। जी, 1 टेबलस्पून हनी। जी, तो अगर कोई नींबू का रस नहीं पसंद करता तो वो उसे अवॉइड कर सकता है? जी बिल्कुल। जी, सेंधा नमक स्वाद अनुसार। जी, काली मिर्च भी स्वाद अनुसार। जी, और इसमें मैं कुछ डालूंगी मिंट की लीव्स, ताकि ये और भी खाने में स्वादिष्ट हो। अच्छा, इससे टेस्ट में चेंज। जी जी,
इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जी। अरे वैसे भी ठंडा है तो हमें खाना चाहिए, इसकी चटनी जी हम अपने डेली रूटीन में खा सकते हैं मैडम, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि फास्टिंग के दौरान थोड़ा ठंडी चीज़ें भी लें जी। ये हमारी होगी ड्रेसिंग रेडी। इसका अरोमा कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी महक आ रही है मिंट की। पुदीना अरोमा को इन्हांस करता है इसलिए हम पुदीना डालते हैं जी। अगर किसी के पास नहीं है तो उसमें से ये चीज़ें कुछ स्किप कर सकते हैं ठीक है जी। और इसको मैं ऐड कर दूँगी ड्रेसिंग को इस सैलड में जी। देन हम इसे करेंगे टॉस। ये हमारा बन गया है सैलड। वेरी गुड, ये देखने में जितना डिलीशियस लग रहा है मुझे लग रहा है खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होगा। एंड अ सैलड इज रेडी। देखिए आपने देखा ये फ्रूट सैलड सिर्फ 5 मिनट में ही तैयार हो गया है। तो आपके पास घर में जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं या आप और भी हेल्दी फ्रूट्स लेकर आ सकते हैं और इस फ्रूट सैलड को ज़रूर ट्राई करें। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी पर। तो ईशा अब हम अपनी सेकंड रेसिपी में क्या बनाने जा रहे हैं? हम बना रहे हैं गुलाबी साबूदाना खिचड़ी। गुलाबी साबूदाना कुछ स्पेशल है इसमें? जी बिल्कुल, इसमें हमने ऐड किया है बीट रूट जो है चुकंदर, इसलिए इसका नाम है गुलाबी साबूदाना खिचड़ी। ठीक है तो आप पहले हमें इंग्रेडिएंट्स बताइए। जी ये है साबूदाना जी, इसको ये इसमें स्टार्च बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है जी। तो मैंने इसको ओवरनाइट सोक कर लिया है ताकि ये जुड़े ना और खिला खिला बने। ओके। और दूसरा है मेरे पास बीट रूट, इसको मैंने काट लिया है। ठीक है। मेरे पास है लेमन जूस जी, लेमन वेजेस, ये मैंने गार्निश के लिए रखा है जी। मेरे पास है उबले हुए आलू जी, ये मैंने प्यूरी बना के रख ली है ऑलरेडी जी बीट रूट की। और ये है रोस्टेड पीनट्स, ये है साबूदाना और ये है हमारे पास मिर्ची जी। तो जी। ये जो आपने बीट रूट की प्यूरी बनाई है ये आपने मिक्सी में इसको ग्राइंड जी किया? इसके दो तरीके हैं, या तो आप सीधा बीट रूट को काटिए और पानी डाल के उसकी प्यूरी बना लिए जी, या इसको क्या कर सकते हैं हम कद्दूकस करके पानी डाल के और हमारी प्यूरी तैयार हो जाती है। ठीक है तो आइए अब हम शुरू करें। जी बिल्कुल जी, प्लीज पैन लेंगे हम जी, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल जी, डालेंगे जीरा जी। जीरे को हमेशा कच्चे अगर तेल में डालते हैं जो गर्म नहीं हुआ होता उससे इसकी अरोमा ज्यादा अच्छी आती है और आई थिंक वो शायद जलता भी नहीं है अदरवाइज। बिल्कुल जी। अभी से उसकी थोड़ी महक आनी शुरू हो गई है जी। इसमें मैं थोड़े से डालूंगी पीनट्स रोस्टेड जी, जी। इसमें मैं डालूंगी करी लीव जी, ये हमें डाइट में हम एवरीडे लाइफ में हमें ये यूज करने चाहिए जी। ये मेरे पास साबूदाना सोक्ड है जी, इसको गुलाबी बनाने के लिए जी मैं 1 टेबलस्पून डाल दूंगी बीटरूट प्यूरी का। ओके जी, तो उसमें उसका सब मिक्स हो जाएगा और वो गुलाबी कलर की हो जाएगी जी। बिल्कुल जी, और ये हेल्दी भी हो जाएंगे बिकॉज बीट रूट बहुत ही हेल्दी है, ब्लड के लिए भी हीमोग्लोबिन वगैरह इंक्रीज होने में बहुत हेल्प मिलती है। तो अब आपके पास एक और ऐसी हेल्दी रेसिपी है जो टेस्टी भी है और हेल्दी भी है बिकॉज बीट रूट लोग सैलड में भी बहुत यूज़ करते हैं, तो यहाँ ईशा ने उसे खिचड़ी में यूज़ किया है। इसमें अब हमने आलू डाल दिए जी, हम इसमें डालेंगे हमारे गुलाबी साबूदाना जी। आप सभी ने नवरात्रि के दौरान साबूदाने की खिचड़ी तो ज़रूर खाई होगी, लेकिन ईशा आपके लिए लेकर आई है स्पेशल बीट रूट के साथ साबूदाने की खिचड़ी जिसका नाम ही है गुलाबी साबूदाना खिचड़ी। सेंधा नमक स्वाद अनुसार जी। अच्छा पूरा उसे रोस्ट करने के बाद फिर हम उसमें सॉल्ट और जी, हम इसे मिक्स करेंगे, इसमें स्टार्च होता है ताकि चिपके ना जी, तो मैं इसको बार बार लेडल से जी मिक्स कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा अब हम डालेंगे लेमन जूस जी, ये हमारी हो गई है खिचड़ी तैयार। तो देखा आप लोगों ने महज 5 मिनट में ईशा ने तैयार की है साबूदाना गुलाबी खिचड़ी। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ। ईशा अब हम तीसरी रेसिपी शुरू करें।
तो ईशा अब हम अपनी तीसरी रेसिपी में क्या बनाने जा रहे हैं? हम बनाने जा रहे हैं गुड़ वाले मखाने। गुड़ वाले मखाने? जी बिल्कुल। और गुड़ तो वैसे भी बहुत अच्छा है शुगर के कंपैरेटिवली। जी, हमें घर में ज्यादातर गुड़ ही यूज करना चाहिए क्योंकि उससे सेहत हमारी ठीक रहती है और ये बीपी को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आप हमें इंग्रेडिएंट्स बताएंगे प्लीज। मखाने ले रहे हैं हम जी, गुड़ जी और तिल, हल्का सा हम लेंगे ऑयल जी, और है हमारे पास पानी। ठीक है जी। जी करते हैं स्टार्ट। जी बिल्कुल। अब हम सबसे पहले रखेंगे पैन जी और मखानों को करेंगे ड्राई रोस्ट। जी अच्छा, तो उसमें हमने ऑयल वगैरह यूज नहीं करना? नहीं, ये हम थोड़ा ऑयल के बिना बनाएंगे क्योंकि आजकल लोग डाइट पे रहते हैं और ये थोड़ा हेल्दी भी है। जी जी जी। तो ऐसे ये थोड़ा ज्यादा ब्राउन या जलेगा नहीं, सिंपल सिंपल बना रहे हैं हम इसे लो फ्लेम पे। ठीक है, और हम इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसका क्रिस्पी टेस्ट ना आ जाए। जी। अगर हम इसे अच्छी तरह नहीं रोस्ट करेंगे तो वो बहुत ही सॉगी हो जाएगा और खराब हो जाएगा। ये हमारा हो गया मखाना रेडी जी, एंड इसको मैं डाल दूंगी बॉल में। जी हम अब लेंगे कढ़ाई जी, इसमें हम बिल्कुल थोड़ा पानी डालेंगे ताकि हमारा जो गुड़ है अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। जी ये हमने लिया गुड़, गुड़ को हम अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। जी तो क्या हम गुड़ की जगह शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, पर ये है गुड़ से हमारी कोटिंग अच्छी आ जाती है। जी जी हाँ, शक्कर से वो उतना नहीं, कोटिंग अच्छा नहीं होगा, कोट इतना अच्छा नहीं आएगा, तो मैं कहूँगी कि आप गुड़ ही यूज़ करें। जी जी। क्योंकि व्रत के दौरान जब हम लोगों को क्रेविंग हो कुछ मीठा खाने की या कुछ अलग खाने के लिए, तो हमारे पास ये रेसिपी होगी जो मखाने और गुड़ आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, टेस्ट में भी अच्छा है और आपकी मीठे की क्रेविंग को भी दूर करेगा। हमारा गुड़ हो गया है मेल्ट जी, इसमें मैं डालूंगी थोड़े से तिल। तिल अगर किसी के पास तिल ना हो तो वो इसको स्किप कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमें तिल डालना ही है। जी इसके बाद अब मैं इसके ऊपर से डालूंगी रोस्टेड मखाने। ये अच्छे से कोट हो गया है जी मखानों का और ये हमारे बन गए हैं। देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ये खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट है। जी क्योंकि गुड़ का प्रॉपरली मेल्ट होना बहुत ज़रूरी है, शायद वो तभी प्रॉपर लेयर फॉर्म में आ रहा है। अगर गुड़ मेल्ट अच्छे से नहीं होगा तो वो टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा। हमारे हो गए हैं गुड और फ्लेम को कर दिया मैंने बंद। जी तो देखा आप लोगों ने, ईशा ने हमें कितनी अच्छी और कितनी आसान रेसिपी बताई है जिसमें गुड़ वाले मखाने आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और व्रत के अलावा भी इसको आप कभी भी बनाकर रख सकते हैं। इसके ऊपर गार्निश के लिए मैं थोड़े डालूंगी तिल। जी तो आज का एपिसोड हमारा यहीं खत्म होता है, लेकिन पूरी नवरात्रि के दौरान हम आपको मिलेंगे इसी समय पर और भी नई रेसिपीज के साथ, तो देखते रहिए चैनल द विव। थैंक यू ईशा। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।